हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में सर ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज क्वेश्चन सीख रहे हैं रक्त संबंध वाले क्वेश्चन, है ना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। आई दोस्तों जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, ए बी का भाई पिता है और सी बी की बहन है और डी सी की माँ है और के डी का भाई है, तो के का ए से क्या रिश्ता है। देखिए, अब सबसे पहले देखना है कि ए बी का पिता है, बी का पिता है। देखो, पिता को ऊपर रखते हैं, ये ए है और ये बी है, तो ये इसका पिता है। ठीक है, तो ये पुत्र है। ठीक है, फिर कह रहा है सी बी की बहन है, इस बी की बहन, तो ये बहन। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी सी की माँ है। अब सी की माँ कौन है? डी, ये माँ है, तो इसकी पत्नी हो गई, ए की पत्नी हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है के और के डी का भाई है, इसका भाई है, इसका भाई कौन है? के, इसका भाई है, इसका भाई है, तो के का ए से क्या रिश्ता, ए से क्या रिश्ता। देखो, ये तो इसकी पत्नी होगी, ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है। क्या होता है? साला, ये इसका राइट आंसर है। पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है। ये पत्नी है, एक की माँ, इसकी माँ, लेकिन एक ही पत्नी है, और एक की पत्नी का भाई साला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की इशारा करते हुए रानी ने कहा। देखो, ये एक तस्वीर है कोई भी है, और इसमें ये है और ये है रानी। अब रानी क्या कह रही है, इसके इसका इशारा करते हुए क्या कह रही है? कहा रानी ने कहा कि ये मेरे पिता, अब उसका कोई, इसका कोई पिता होगा, ये पिता के पिता, इस रानी का पिता का पिता, रानी के पिता का पिता की पत्नी है, इसकी पत्नी है। ठीक है, तो रानी का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? इसके पिता और फिर पिता की पत्नी, तो ये इसकी दादी, इसकी पिता की माँ है, तो ये इसकी क्या होगी? दादी होगी। इस तस्वीर से क्या रिश्ता है? तो तस्वीर इसकी दादी होगी। क्या होगी? दादी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम के भाई की पत्नी। देखो, ये राम है और ये इसका भाई है और ये इसकी पत्नी है, ये दोनों आपस में भाई है और इसकी पत्नी है। पत्नी का ससुर, ये पत्नी है, इसका ससुर, से राम का क्या रिश्ता है? राम, ये दोनों भाई है, ठीक है, और ये भाई की पत्नी है, तो पत्नी का जो ससुर है, इसके जो ससुर लगता है, वो इसके पिता लगते हैं। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर, वो इसके पिता होंगे, राम के पिता होंगे। और इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, सी और डी दोनों बहने हैं। देखो, ये सी और डी दोनों बहने हैं, बहने, और के उनका माता का भाई है, इनकी माता, और इसका भाई है के,
इसका भाई के, तो सी के पुत्र का कैसे क्या रिश्ता है? सी का जो पुत्र है, ये पुत्र, तो ये इसका माता का भाई, इसकी माँ का भाई, और माता का जो भाई है और इसके पुत्र का, इससे क्या रिश्ता है? इसका मामा, क्या हो गया? मामा हो गया। भाई क्या हो गया? इसके मामा हो गया। इसका पुत्र का क्या लगेगा? मामा लगेगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए। राम अपने घर से 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाईं ओर। देखो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब ये कह रहा है कि 15 मीटर पूर्व की हो गया, यहाँ से ये पूर्व है तो इधर कितना गया हो? 15 मीटर गया। फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, इधर बायां है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर चला। फिर बायां मुड़कर 23 मीटर चलता है, अब यहाँ से 23 तो 15 तो ही आ गया, अब 8 और चला इधर, 15 + 8 = 23। अब घर से कितनी दूरी है? तो इसका घर ये यहाँ तक, तो यहाँ से ये 6 है, तो ये 6 इसका हो गया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय ये लगेगा, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 100। 100 का वर्गमूल लगाने कितना होगा? 10। ये क्योंकि कर्ण का वर्ग, जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 8 64 100, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 मीटर दूरी है। अगला क्वेश्चन, एक बिन के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि करने पर नई बिन 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल बिन क्या होगी? दोस्तों अपनी बिन मान लो कि अपनी बिन है x/y, ठीक है। अब इसमें अंश में तो 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब 120, हार में 25% की वृद्धि मतलब 125, ठीक है। तो भिन्न कितनी हो रही? 3/5। ये बता, इस तरह से हल होता है क्वेश्चन कि x/y, तो भिन्न 20% वृद्धि है तो 120 होगा, और 25% वृद्धि है तो 125 होगा। अब काट दो, 5 से काट दो, देखो ये 5 से कट जाएगा, पाँच से 5 दो 10 और 5 5 25, और 3 से कटेगा, 3 4 12, 5 5 25, 5 8 40, तो ये भाग वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और गुण वाली संख्या नीचे आएगी, 5/8, 5/8 इसका राइट आंसर है। सी आपसे मैच कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की ऊर्जा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मैं आपको बता दूं कि ये आपका वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग की भुजा मान लीजिए कि इसकी माना, अपने पहले क्या करा, माना इसकी भुजा 10% है, 10 है, ठीक है। तो ये 10, ये 10, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा। अब नया आपने बनाया, इसकी 25% बढ़ा दी, भुजा आपने 25% बढ़ा दी, तो 10 × 25/100, तो 25 × 25 = 100, 2 × 4, 2 × 5 = 10, और 2 × 4 = 2 × 5 = 10, 2.5 बढ़ गई, तो पहले 10 थी, 10 × 2 = 12,
तो 12.5 हो गए। अब भुजा कितनी होगी? 12.5। तो अपन 12.5 इंटू 12.5 है ना, तो ये 10 इंटू ये 10, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10 5×5 = 25, 5 × 10 = 25, 625, 625 बटा 2 × 4, और 4 का भाग लगाएंगे, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 22, 4×5 = 20, 4×5 = 20, फिर 2×4 = 24 और 4×2 = 8, 4×5 = 20, 156.25 हो गया। और पहले कितना आया था? 100 आया था, 100 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 56.25, 56.25% बढ़ेगा। अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ेगा? 56.25% बढ़ेगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, तो इसमें 20 पानी, कितना पानी और मिलाया जाए कि 20% हो जाए पानी का परसेंट? देखो ये 80% है, ये मिल्क और ये वाटर, पानी कितना है? 15% है। जब ये 15 है तो ये कितना होगा? 85% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 100% है। अब ये कह रहा है कि ये 20% रहता है, तो ये कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 25 ये इन दोनों को बटे में कर दो, 75, 85/80 और गुणित ये कर दो, 80 से 80 कट गया, 85, और पहले कितना था? 80, 85 में से 80 गया तो कितना बचा? 5 लीटर। ये इसका राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।